आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। जनपद गाजियाबाद में कौशाम्बी थाने की पुलिस द्वारा वाहनों से ECM व बैटरी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। चारों अभियुक्त शातिर अपराधी हैं, जो ऑटो में बैठकर रात के समय में दिल्ली NCR क्षेत्र में गली मोहल्लों व सड़कों पर मकानों के बाहर खड़े वाहनों से ECM व बैटरी चोरी करने का काम करते हैं तथा चोरी करने के बाद सामान को दिल्ली गाजीपुर स्थित अपने साथी अली हसन को बेच देते थे। पिटने गए चारों अभियुक्तों के नाम आसिफ, निखिल, सूर्या व अली हसन हैं। संवाददाता पवन गैर की रिपोर्ट, आप तक टाइम्स न्यूज, गाजियाबाद। पुलिस द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत, क्राइम के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत पिछले काफ़ी दिनों से हमारे इस ट्रांसजेंडर क्षेत्र में ECM और बैटरी चोरी की घटनाएं लगभग हर थाना क्षेत्र में हो रही थी, जिसके मद्देनज़र काफ़ी टीमें गठित की गई थी जो लगातार इन लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में हमें एक सूचना मिलती है कि कुछ लोग जो है इस तरीके के जो संदिग्ध हैं वह जो है कौशाम्बी थाना क्षेत्र अंतर्गत देखे जा रहे हैं। मौका सूचना पाते ही थानाध्यक्ष कौशाम्बी मैं टीम उनके नेतृत्व में उनकी टीम ने इन लोगों को जब पकड़ा तो टोटल 3 लोग इनके पकड़ में आए। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो इसमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम आसिफ, एक व्यक्ति ने निखिल ग्रोवर और तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम सूर्या बताया, जिसमें से जो आसिफ है उसकी पहचान इस पूरे गैंग के मास्टरमाइंड के रूप में हुई, जो कि ECM और बैटरी चोरी की घटना को अंजाम देता था। और इसके ऊपर लगभग अभी तक जो हम लोग पता कर पाए हैं 18 मुकदमे पंजीकृत हैं विभिन्न धाराओं के। इसके साथ साथ निखिल ग्रोवर और सूर्या के ऊपर भी लगभग 2 दर्जन मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं। इसके साथ साथ इन लोगों की निशानदेही पे जब हम लोगों ने ये उनसे पूछताछ की गई कि ये ECM और बैटरी कहाँ बेचते हैं, तो इन लोगों ने इसको दिल्ली में मायापुरी में जो है एक कबाड़ी के यहाँ बेचना बताया। इनकी निशानदेही पे जो कबाड़ी है अली हसन, उसको भी गिरफ्तार किया गया और इनके पास से लगभग दर्जनों ECM और बैटरी बरामद हुई है। साथ में ये लोग, इन लोगों के जो कार्य करने का तरीका था कि इनमें से एक व्यक्ति एक ऑटो जो है किराए पे लेता था, उसके बाद ये रेकी करते थे, जाके रेकी करने के उपरांत ये जो भी गाड़ी बाहर खड़ी देखते थे सेकंडों में ये लोग उसके ECM और बैटरी को पार कर देते थे और साथ ले जाके फिर अली हसन को रात भर में जितनी ये चोरियाँ करते थे उसको ले जाकर उस कबाड़ी के पास बेचते थे। किस तरह की गाड़ियों को ज़्यादा टारगेट करते थे, किस तरह ये गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, हैचबैक गाड़ियाँ जो रहती थी उनको ये ज़्यादा टारगेट करते थे, और जो लावारिस या घर से थोड़ी दूर पर खड़ी हैं, बाहर खड़ी हैं, जिनको ये आसानी से